हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंडिया शांति कोई ऑनलाइन क्लास। बच्चों पढ़ेंगे चैप्टर 6 फन विद पेंट्स। ये चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि फाइल को कैसे सेव किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे क्लोजिंग पेंट विंडो, कैसे हम पेंट विंडो को क्लोज करेंगे। इन ऑर्डर टू क्लोज द पेंट विंडो, क्लिक ऑन द क्लोज बटन प्लेस एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो और क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द एग्जिट ऑप्शन। आपको जब विंडो क्लोज करनी है तो टॉप में देखिए, यहाँ पे बच्चों क्रॉस का निशान दिख रहा है, यहाँ पे आप क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो आपका विंडो क्लोज हो जाएगी और आपके पास ऑप्शन आएगा यस और नो, तो आपको उसको क्लोज कर देना है। ठीक है, ओपनिंग द सेव ड्राइंग। द ड्राइंग दैट वी हैव सेव्ड ऑन कैन बी ओपन एनी टाइम। टू ओपन अ सेव ड्राइंग, आपने जो ड्राइंग सेव की है उसको किसी भी टाइम आपको ओपन करना है तो आप उसे ओपन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द ओपन ऑप्शन। फाइल टैब पे जाएंगे और ओपन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। स्टेप 2, द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। सेलेक्ट द लोकेशन वेयर द फाइल इज सेव्ड। सेलेक्ट द फाइल नेम दैट वी वॉन्ट टू ओपन। आपको जिस फाइल को ओपन करना है उस फाइल का नेम लिखेंगे और जो आप खोलना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर से ओपन करेंगे। क्लिक ऑन द ओपन बटन वी विल फाइंड द सेम ड्राइंग। आप ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वही सेम ड्राइंग मिल जाएगी। तो बच्चों देखिए, ये पढ़ते हैं। वी कैन यूज अ प्रोग्राम कॉल पेंट टू ड्रॉ एंड कलर ऑन अ कंप्यूटर। हम पेंट का यूज क्यों करते हैं? इसमें ड्राइंग कलर करने के लिए और कलर करने के लिए। द ब्लू बार एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, जो स्क्रीन के एकदम टॉप पे ब्लू बार है उसे हम कहते हैं टाइटल बार। रिबन कंसिस्ट ऑफ टू ग्रुप्स, रिबन में दो ग्रुप होते हैं, टैब्स एंड ग्रुप्स। द ड्राइंग एरिया इज यूज्ड फॉर मेकिंग कलरफुल ड्राइंग, जो ड्राइंग एरिया है हमारा उसमें हम कलरफुल ड्राइंग बनाते हैं। द पेंसिल टूल वर्क्स लाइक अ रियल पेंसिल, जो पेंसिल टूल होती है वो एकदम रियल पेंसिल की तरह काम करती है। इट इज यूज्ड फॉर ड्राइंग एंड राइटिंग एनीथिंग विद अ फ्री हैंड मूवमेंट। आप फ्री हैंड मूवमेंट से आप कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं। द टेक्स्ट टूल इज यूज टू टाइप टेक्स्ट ऑन द ड्राइंग एरिया, टेक्स्ट टूल को हम यूज करते हैं ड्राइंग एरिया पे टेक्स्ट लिखने के लिए, कुछ भी टाइप करने के लिए। ब्रश टूल इज यूज टू ड्रॉ लाइंस दैट आर डिफरेंट इन अपीयरेंस, ब्रश टूल में हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अलग अलग तरीके की। द ड्राइंग एरिया दैट वी हैव सेव्ड कैन बी ओपन एनी टाइम, आपका जो ड्राइंग एरिया में जो आपने ड्राइंग बनाई है वो आप किसी भी टाइम पे सेव कर सकते हैं और उसको ओपन कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप इसको अच्छे से समझिएगा और पढ़िएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।